हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। जैसे कि हम रोज करंट अफेयर का सेशन करते हैं 10 मिनट का, और आज भी जो हम करंट अफेयर का ही सेशन करेंगे। हर दिन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ जो है न्यूज़ भी कवर की जाती है, लेकिन आज की वीडियो में जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ ही कवर की जाएगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप हमें जो है वो हमारे सोशल मीडिया फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर सकते हैं। हम जो है करंट अफेयर जो है वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो है अपडेट करते हैं। अगर आप किसी भी रेलवे के एग्जामिनेशन, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन या एसएससी जैसे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये करंट अफेयर जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। तो पहली न्यूज़ जो है हमारे पास जो है यूनियन मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट जो हैज़ डिक्लेयर्ड द लिस्ट ऑफ टॉप परफॉर्मिंग 30 डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द PMGSY। तो यहाँ पर जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने जो है एक लिस्ट जारी की है, लिस्ट डिक्लेयर की है, जिसमें 30 डिस्ट्रिक्टों के नाम है जो कि टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है। किस में वो टॉप परफॉर्मिंग है? PMGSY, यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो स्कीम थी, ये जो योजना थी इसको इम्प्लीमेंट जो है इन्होंने अच्छे से किया है। वो 30 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है, उनमें जो है हमें हर 30 की 30 याद तो नहीं करनी, बट हमें पहला रैंक किसका है वो याद रखेंगे। तो पहला रैंक जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट, जो कि हिमाचल प्रदेश की मंडी डिस्ट्रिक्ट है। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है ऑफ द हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन बैग्ड टॉप पोजीशन इन द लिस्ट फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो यहीं पर याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश की जो है कुछ और डिस्ट्रिक्ट है जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश हैव फिगर्ड इन द लिस्ट। द अदर डिस्ट्रिक्ट जो है वो चंबा है, शिमला है, कांगड़ा है, ऊना है, सिरमौर है, हमीरपुर है, और सोलन डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश की। तो ये वो डिस्ट्रिक्ट है जिन्होंने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में याद रखेंगे। तो बेसिकली जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है जहाँ पर पॉपुलेशन उन विलेजेस में जहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो 250 तक होती है, वहाँ पर जो है सड़क बनाते हैं तो कनेक्ट करने के लिए विलेजेस को, तो वो याद रखेंगे। अगली न्यूज़ की तरफ जो है हम चलेंगे, और अगली न्यूज़ जो है हमारे पास जो है वो उत्तराखंड से है। देखिए उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है जिनका नाम जो है त्रिवेंद्रा सिंह जो है उनका नेम है, त्रिवेंद्रा सिंह रावत जो है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है। तो इन्होंने जो है इनॉग्रेट किया है इंटेग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम। तो क्या इन्होंने किया है इनॉग्रेट? इंटेग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम। तो नेम जो है स्कीम का याद करेंगे, ठीक है, वो क्या नेम है? नेम जो है वो है एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना विद द एम टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी ऑफ द फार्मर एंड ऑल्सो हेल्प इन डबलिंग द देयर इनकम। ठीक है, तो ये जो है इनका एम है। तो ये जो इनिशिएटिव जो हैज़ बीन लॉन्च्ड इन पार्टनरशिप विद द नाबार्ड के साथ जो है पार्टनरशिप में जो है ये इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है। नाबार्ड क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसे हम नाबार्ड कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है इस स्कीम में क्या है कि पहले जो किसानों को जो है वो 2 लाख का जो है लोन मिलता था, वो लोन जो था वो इंटरेस्ट फ्री था, और अब उसी लोन को जो है इन्होंने बढ़ा दिया है, तो वो 3 लाख तक कर दिया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट हैज आल्सो एनहांस्ड द लिमिट फॉर इंटरेस्ट फ्री लोन टू फार्मर 2 रुपीज 3 लाख तक जो है वो अब लोन मिलेगा, जो कि पहले 2 लाख था। सो नाबार्ड विल लेंड अ हेल्पिंग हैंड टू फार्मर टू स्विच ओवर टू द मैकेनाइज्ड एंड साइंटिफिक फार्मर। ठीक है, तो ताकि जो है वो मैकेनाइज्ड और साइंटिफिक फार्मर जो है फार्मिंग जो है वो कर सके, और इससे उनकी जो है प्रोडक्टिविटी में भी जो है वो बूस्ट होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो है ये काम किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास जो है वो नीति आयोग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो है नीति आयोग, जिसे हम जो पॉलिसी थिंक टैंक भी कहते हैं, हैज कंस्टिट्यूटेड अ 14 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल। तो यहाँ पर जो है याद रखेंगे एक 14 मेंबर की जो है वो एडवाइजरी जो है वो काउंसिल जो है कमेटी जो है इन्होंने बनाई है। किस लिए बनाई है? टू लुक इन टू द इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म
इन द अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं, रैपिड जो है अर्बनाइजेशन जो है वो होती जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी अर्बन जो प्लानर है हमारी कंट्रीज में, उनकी क्या डिमांड है, उनको जो है वो कैसे जो है प्रोफेशनल चाहिए, वो सारी चीज़ों की जो है वो रिसर्च करेंगी ये। सो जो पैनल जो होगा, इसका जो हेड होगा वो नीति आयोग के जो है वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, वही इसके जो है वो हेड होंगे। किसके हेड होंगे, वो एडवाइजरी कमिटी के जो है वो हेड होंगे। तो ये क्या काम करेंगे, ये रिव्यू करेंगे जो करंट अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम है, उसे जो है पहले ये रिव्यू करेंगे इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ मल्टी डिसप्लिनेटरी कुरिकुलम एंड रिलेटेड इशूज एट द ग्रेजुएट एंड द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, के जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जो क्या क्या इशू है, बट किस कॉन्टेक्स्ट में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चैलेंजेस पोस्ट बाय द रैपिड अर्बनाइजेशन। तो जैसे कि जो रैपिड अर्बनाइजेशन होती जा रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हो रहे हैं। फिर उसके एग्जामिन करने के बाद है अवेलेबिलिटी देखेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई क्या है उन क्वालिफाइड ग्रेजुएट की, पोस्ट ग्रेजुएट की, किनके रिलेटेड अर्बन प्लानर जो है कंट्री में, उन्हें किस चीज की जो है वो डिमांड है, ठीक है, ताकि जो है उन्हें उसी तरीके से जो है वो उनका एजुकेशन सिस्टम जो है बना सके, ठीक है, उनका कुरिकुलम भी वैसे ही सेट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट हम देखेंगे, एक और जो है हमारे पास न्यूज है बेसिकली। तो यहाँ पर जो है स्टेट ओन्ड इंडियन बैंक स्टेट ओन्ड जो के है, तो इन्होंने कोलोबरेट किया है किसके साथ, आईआईटी मद्रास इनक्यूबेशन सेल। तो आईआईटी एमआईसी की फुल फॉर्म क्या है, आईआईटी मद्रास इनक्यूबेशन सेल। किसके लिए इन्होंने कोलोबरेट किया है, टू लॉन्च एन इनिशिएटिव कार्ड, एक इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं आईएनडी स्प्रिंग बोर्ड। क्या है आईएनडी स्प्रिंग बोर्ड, जो एक इनिशिएटिव है, ये क्या काम करेगा, ये फंड करेगा स्टार्टअप को, वो स्टूडेंट जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, जिनके पास कोई आइडिया है कोई, ठीक है, तो वो पहले टेक्नोलॉजी देखेंगे कि वो प्रूवन टेक्नोलॉजी है कि नहीं, तो उस हिसाब से जो है वो चेक करने के बाद जो है उन्हें जो है वो लोन दिया जाएगा, ठीक है। तो अंडर दिस इनिशिएटिव आईआईटी मद्रास इनक्यूबेशन जो सेल होगा उनका, आईआईटी मद्रास का, विल रेफर स्टार्टअप विद प्रूवन टेक्नोलॉजी एंड एस्टैब्लिश कैश फ्लो टू द इंडियन बैंक। इट वुड आल्सो एक्सटेंड एडवाइजरी टू द बैंक ऑन द बिजनेस मॉडल। तो यहाँ पर याद रखेंगे इंडियन बैंक जो होगा विल एक्सटेंड लोन ऑफ अप टू 50 करोड़। तो यहाँ पर जो है अप टू की बात की गई है कि 50 करोड़ तक दिया जा सकता है, ठीक है, टू दी स्टार्टअप फॉर दियर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो स्टार्टिंग में जो है उनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी पैसा लगाने की अपने बिजनेस में, ठीक है, तो परचेज ऑफ मशीनरी के लिए या जो भी इक्विपमेंट उनको जो है चाहिए होंगे उसके लिए जो है वो उन्हें लोन देंगे, ठीक है, बट वो टेक्नोलॉजी जो है वो प्रूवन होनी चाहिए पहले। वो आईआईटी मद्रास इनक्यूबेशन सेल जो उसे देखेंगे और उस बिजनेस मॉडल को जो है बैंक के साथ डिस्कस भी करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक और जो है इम्पोर्टेंट न्यूज भी है, ये इकोनॉमिक्स से, कि हमारा इंटरनेशनल मॉनिटरी जो फंड है आईएमएफ जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है एक और कंट्री जो है वो यूरोप की जो है एक स्टेट है अंडोरा, ये जो है एक नया मेंबर बन चुका है। तो ऑफिशियली जो है एंडोरा ने ज्वाइन कर लिया है, ऑफिशियली द प्रिंसिपैलिटी ऑफ द एंडोरा हैज जॉइंड द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आईएमएफ ऑन 16th October 2020 टू बिकम द 119th मेंबर, ठीक है। तो ये न्यूज़ जो है मैंने आज जो है वो डिस्कस कर ली, पहले से हमने इंक्लूड नहीं किया था। तो एंडोरा जो है एक माइक्रो स्टेट है सिचुएटेड बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन, फ्रांस और स्पेन के बीच में एक स्टेट है। हाउवर इट इज़ द लार्जेस्ट माइक्रो स्टेट इन यूरोप, तो ये भी याद रखेंगे। अब इसमें जो है COVID-19 के बाद जो है काफ़ी इकोनॉमिक्स में जो है वो क्राइसिस जो है आए हर जगह, तो ये भी जो है काफ़ी जो है उससे मुतासिर हुए, और जो IMF मेंबरशिप जो है अब इन्हें जो है इन्होंने ज्वाइन कर ली है। तो IMF मेंबरशिप एलो द एंडोरन गवर्नमेंट टू बेनिफिट फ्रॉम द IMF पॉलिसी, जो भी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की पॉलिसी है उसे ये फॉलो करेंगे, उनकी एडवाइस लेंगे, स्पेशली एज ए कंट्री टेकल्स द क्राइसिस कास्ट बाय द COVID-19 एंड कैन नाउ रिव्यू द एनुअल रिव्यू। तो अब एनुअल रिव्यू भी जो IMF करता है उसे भी वो इनका भी करेगा, और हेल्थ चेक इनकी इकोनॉमी का टाइम टू टाइम करते रहेंगे, जो भी जो है वो टेक्निकल असिस्टेंस है,
ठीक है, एक्सेस जो भी होगा, आईएमएफ लेंडिंग जो भी होता है, लोन छोन, वो भी जो है इनको जरूरत मिलने पे जो है वो मिल सकता है। तो अब अगली न्यूज हम देख लेंगे। तो अब हमारे जो है वो 10 मिनट भी होने वाले हैं, 10 मिनट का हम सेशन करते हैं करंट अफेयर का रोज। तो इंडिया जो है ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज भी है कि इंटरनेशनल जो है लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम आईएलओ कहते हैं, ठीक है, इसमें जो है 187 मेंबर है। और आईएलओ के बारे में हम जानते होंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। तो इंडिया जो है इसकी चेयरमैनशिप जो है, दोबारा से इंडिया को चेयरमैनशिप मिली है 35 साल के बाद। तो इंडिया हैज अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर अ गैप ऑफ द 35 ईयर्स। सो द लेबर एंड द एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्रा जो हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन। तो ये जो सेक्रेटरी थे यहाँ पर अभी तक, अपूर्वा चंद्रा, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी, इन्हें जो है वो चेयरपर्सन जो है वो इलेक्ट कर दिया गया है ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द आईएलओ फॉर द पीरियड ऑफ अक्टूबर 2020 जून टू 21। तो अक्टूबर 2020 से लेके जून 2021 तक। अब इस गवर्निंग बॉडी जो है ये अपेक्स एग्जीक्यूटिव बॉडी है आईएलओ की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, जो डिसाइड करती है पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को, एजेंडा को, बजट को, और इलेक्ट करती है इसके डायरेक्टर जनरल को। सो ये जो है साल में 3 बार मिलती है, याद रखेंगे, मार्च में, जून में और नवंबर में जो है ये साल में 3 बार जो है वो मिलती है। तो ये जो है हमारे आज के जो है वो करंट अफेयर थे। एक और जो है आप ये रख लीजिए, एक और करंट अफेयर, ये हमारे पास जो है, देखिए लबानीस में जो है वो काफ़ी जो है प्रोटेस्ट हो रहे थे, और उसके बाद हमने एक जो है इससे पहले भी इसके रिलेटेड जो है वो डिस्कस किया था कि एम्बेसडर को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था। तो यहाँ के जो पहले थे साद हरेरी, ये दोबारा से जो है अब वो इलेक्ट हो गए हैं। इन्होंने भी पहले जो है वो रिज़ाइन दिया था काफ़ी प्रोटेस्ट के बाद, और फिर जब दोबारा इलेक्शन हुए हैं तो ये दोबारा से रीअपॉइंट हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर। तो नाम याद रखेंगे साद हरेरी का, ठीक है। तो 22 अक्टूबर 2020 को जो है इन्होंने दोबारा से जो है ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो बन गए। इनको जो है 65 पार्लियामेंट्री वोट्स आए, टोटल जो थे वो 118 थे, और इनको जो है मैंडेट मिला है और ये जो है वो गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे ये सारे करंट अफेयर। तो आज जो हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस नहीं किए साथ साथ, बट आपके लिए जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो साथ साथ हमने बता दिए, ठीक है। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज पे जो है वो भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम शॉर्ट में करंट अफेयर जो है वो एक ही पेज में डिस्कस कर लेते हैं, वो अपडेट करते हैं हम उसके लिए एक इन्फोग्राफिक्स जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।